Hello students, welcome to my channel the career reviewer. Students, हम लोग आज lecture 6 में पढ़ने जा रहे हैं cationic polymerization के बारे में. तो students, cationic polymerization में जो हम लोग का substrate होगा वो isobutylene हो सकता है, styrene हो सकता है. अब देखें ये जो cationic polymerization है वह carbocation के presence में संपन्न होता है और इसके लिए हम लोग को जो कार्बोकेटायन जनरेटिंग इनिशिएटर चाहिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4 HCl और लुईस एसिड चाहिए जैसे BF3L CL3. अब इसमें जो हम लोग का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वह कार्बोकेटायन होता है. अब अगर इसके मैकेनिज्म की हम बात करें तो इसके मैकेनिज्म कंप्लीट होते हैं 3 स्टेप्स में, और 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है जिसमें पहला स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप है और दूसरा चेन प्रोपगेशन स्टेप और तीसरा चेन टर्मिनेशन स्टेप है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेन टर्मिनेशन चेन इनिशिएशन स्टेप के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग चेन इनिशिएशन स्टेप में देखे हैं तो यहाँ हम लोग H2SO4 जो लेते हैं इनिशिएटर के रूप में वो पहले H प्लस और HSO4- में ब्रेक होता है, और ये जो H प्लस है इसको हम लोग यहाँ पर प्रोटोन कहते हैं. ये होता क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को देकर H प्लस को जोड़ लेता है और जोड़ने के फलस्वरूप यहाँ पे प्लस चार्ज का डेवलपमेंट होता है कार्बन के पास, जिसको हम लोग ओवरऑल कार्बोकेटायन कह रहे हैं. अब चेन प्रोपगेशन स्टेप स्टार्ट होता है, इसमें फिर से आइसोब्यूटिलीन के मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड होते हैं जिसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर जोड़ लेता है और बड़े कार्बोकेटायन का निर्माण करता है जो स्टेप फर्स्ट में था उससे बड़ा. अगर हम एन मॉलिक्यूल ऑफ ये आइसोब्यूटिलीन को अगर हम लेते हैं तो हम लोग को ओवरऑल रिजल्ट इस तरह से एक लॉन्ग चेन कार्बोकेटायन के रूप में डेवलप करता है. अब हम स्टार्ट करते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप. तो ये जो स्टेप है टर्मिनेट करता है प्रोटोन के लॉस के द्वारा. तो इसमें आप देखें कि ये होता क्या है कि जो ऊपर कार्बोकेटायन लिखा गया है उसको मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ से प्रोटोन का लॉस होता है. क्यों लॉस होता है? क्योंकि यहाँ कार्बन के पास जो प्लस चार्ज है इसके पास इलेक्ट्रॉन के 2, 2, 4, 2, 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर बॉन्ड बनाता और यहाँ से ये H प्लस के रूप में लॉस हो जाता है, हट जाता है और फाइनली हम लोग को यहाँ पर डबल बॉन्ड प्राप्त होता है. अब इसी को हम लोग नाम देते हैं पॉली आइसो ब्यूटिलीन. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनायनिक पॉलीमराइजेशन. तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन में जो हम लोग सबस्ट्रेट लेते हैं वो वाइनिल क्लोराइड लेते हैं, वाइनिल साइनाइड जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट तो करने वाला ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है. और इसमें जो हम लोग का इनिशिएटर जो होगा जनरेट करने वाला वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जैसे सोडामाइड होगा और पोटासियम साइनाइड होगा, पोटासियम साइनाइड और सोडामाइड. और जो इनिशिएटर होगा वो डेवलप करता है कार्बेनायन को. तो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होगा वो कार्बेनायन होता है. अब मैकेनिज्म जो है आयनिक पॉलीमराइजेशन को हम लोग देखते हैं तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ये बात को ध्यान रखना है, जिसमें पहला स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप है, दूसरा चेन प्रोपगेशन स्टेप और तीसरा चेन टर्मिनेशन स्टेप. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप में. तो इसमें जो सोडामाइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये ब्रेक हो जाता है Na प्लस और NaNH2 के रूप में, जिसमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया और इलेक्ट्रॉन गेन किया है. अब क्या होता है कि ये जो सोडामाइड से जो नेगेटिव पार्ट आया है वो अटैक करता है CH2 ग्रुप पे, जिसका जिसमें आगे होता क्या है कि यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे चला आता है जिसके कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है. और चूंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए इसको हम लोग कार्बेनायन के नाम देने कार्बेनायन नाम से जानेंगे इसको. अब ये जो सेकेंड स्टेप हम लोग का है चेन प्रोपगेशन स्टेप, इसमें जो फर्स्ट स्टेप में कार्बेनायन बना है वो फिर वाइनिल क्लोराइड को अपने साथ जोड़ता है. ये जो आपका है ये वाइनिल क्लोराइड है इसको फिर जोड़ता है ये,
तो वैनिल क्लोराइड को जोड़ने के फलस्वरूप फिर पहले की अपेक्षा जो कार्बोनेट बनता है वो थोड़ा लंबा चेन वाला होता है, और अगर एन मॉलिक्यूल हम वैनिल क्लोराइड लेंगे तो बहुत बड़ा चेन हम लोग को प्राप्त होता है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स ए लॉन्ग चेन कार्बोनेट बनते हैं। लास्ट में हम लोग का जो है चेन टर्मिनेशन स्टेप है, तो ये जो चेन जो टर्मिनेशन स्टेप है वो एडिशन ऑफ प्रोटोन या लुईस बेस के प्रेजेंस में संपन्न होता है। जैसे देखिए आप ये जो आपका सेकेंड स्टेप जो चेन प्रोपेगेशन स्टेप था उसमें जब हम लोग प्रोटोन को ऐड करते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर एच को अपने पास जोड़ लेता है, जिसके कारण से इस तरह के मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन में प्राप्त होते हैं जिसको कि हम लोग पॉलीवाइनिल क्लोराइड कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीवीसी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर था 6, इसमें मैंने आपको डिस्कस किया कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।